लगातार फर्जी ग्राम सभाएं करके, नकली दस्तखत करके उन जगहों को पर कब्जा किया जा रहा है। और तो संघीय सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और उस पर हमें जोर देना चाहिए। अलावा इसके कि राज्य सरकार की तो है ही, लोभ ये दिया जा रहा है कि भारत के दूसरे हिस्सों में बिजली दी जाएगी, राजस्थान में बिजली दी जाएगी। यह एक जालसाजी, एक धोखाधड़ी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद मौजूद हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि जो पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य का, जो पूरा मामला है वो क्या था, और अन्य सवाल जवाब भी करेंगे। सर, ये पूरा मामला क्या था, आप इसे बता सकते हैं? अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें छत्तीसगढ़ से आए हमारे साथियों ने और पर्यावरण विशेषज्ञों ने बताने का प्रयास किया कि हसदेव अरण्य एक पूरा इलाका है जिस जो एक बहुत ही संवेदनशील पर्यावरण की दृष्टि से इलाका है, और वह सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से नहीं बल्कि उसमें हज़ारों हज़ार आदिवासियों की पूरी आजीविका हसदेव अरण्य पर निर्भर है, और वह भारत का पर्यावरण संतुलन भी बनाकर रखता है। कैसे, किस तरह से हसदेव भी मैटर करता है? इस कोई भी जंगल महत्वपूर्ण है, और हम जानते हैं कि आप जितने ही जंगल काटते जाते हैं आपकी जलवायु में परिवर्तन उतना ही ज़्यादा प्रतिकूल ढंग से होता जाता है। और पूरी दुनिया में अब इस पर विचार हो रहा है कि यह जो ऊर्जा लेने की हमारी आदत है जिसमें हम जंगल काटते हैं, वहाँ खुदाई करते हैं, वहाँ से कोयले निकालते हैं, और उसके बाद जिसको आप फॉसिल फ्यूल कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, इससे धरती में जलवायु और जलती लगातार गर्म होती चली जा रही है। वह तो एक मसला है। दूसरा है कि उस जगह पर उन आदिवासियों का हक है, आप उनकी इजाज़त के बिना उस जगह के साथ भारतीय संविधान के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन जैसा बतलाया गया कि लगातार फर्जी ग्राम सभाएं करके, नकली दस्तखत करके उन जगहों को पर कब्जा किया जा रहा है, और वो सिर्फ इसलिए कि एक औद्योगिक समूह, एक कॉरपोरेट घराने अडानी को, गौतम अडानी के घराने को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। लोभ ये दिया जा रहा है कि भारत के दूसरे हिस्सों में बिजली दी जाएगी, राजस्थान में बिजली दी जाएगी। यह एक जालसाजी, एक धोखाधड़ी की जा रही है जिसमें जिसकी मार वहाँ के आदिवासियों पर पड़ेगी, लेकिन जिसका असर हम लोगों को भी भोगना पड़ेगा। सर, तो आपने कहा कि ये जो बताया जा रहा है कि अडानी का के जेब को भरा जा रहा है इस तरह से ये करके, बिल्कुल तो... ये भारत में हम देख रहे हैं कि जितनी भी खदानें हैं, जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, इन सब को कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है, कॉरपोरेट जगह दुनिया के हवाले किया जा रहा है। ये बहुत स्पष्ट है, दिख रहा है, और इसमें कोई लुका छिपी भी नहीं है। तो इसको लेकर के जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार क्या कह रही है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हमें यह समझना चाहिए कि इसमें ये सिर्फ राज्य सरकार का मामला नहीं है। जो पर्यावरण का मामला है उसमें बहुत सारी स्वीकृतियाँ संघीय सरकार से आती हैं, और तो संघीय सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और उस पर हमें जोर देना चाहिए। अलावा इसके कि राज्य सरकार की तो है ही, ग्राम सभाओं की असली स्वीकृति मिली है या नहीं मिली है निश्चित करने का काम राज्य सरकारों का है, लेकिन संघीय सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोर्ट से अब क्या जवाब मिल रहा है? अभी ये लड़ाई चल ही रही है, न्यायपालिका के स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। सर, इस मुद्दे से बिल्कुल हट करके एक सवाल पूछना चाहूँगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हैं रतन लाल, जिनके ऊपर अभी एक विवाद हुआ, गिरफ्तार हुए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रोफेसर रतन लाल की, डॉक्टर रतन लाल की टिप्पणी कुछ लोगों को अरुचिकर लग सकती है, अप्रिय लग सकती है जैसा, और मुझे इसकी खुशी है कि अदालत ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि वो व्यंग्य करने की कोशिश कर रहे हैं जो असफल हो गया, और हो सकता है ये अरुचिकर हो, लेकिन इससे समाज में न तो हिंसा फैलने का कोई की आशंका है, न बदअमनी फैलने की आशंका है, इसलिए उसके आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाना ये एक बहुत ही अतिरंजित प्रतिक्रिया है, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो समाज में खामोशी पैदा हो जाएगी। जिस तरह से अभी एक खबर आई है कि कुतुब मीनार के बाहर अब नमाज नहीं पढ़ सकते, उस पर क्या कहेंगे? उस पूरे इसको मैंने देखा नहीं है, लेकिन कुतुब मीनार को जिस देखिए, दो चीज़ें हो रही हैं, एक कि मुसलमानों से उनकी जगहों को छीनने की कोशिश, और उसके लिए कई तर्क दिए जा रहे हैं। कई बार आप पुरातात्विक महत्व का तर्क दे देते हैं, कई बार आप कहते हैं वो जगह विवादित हो गई,
तो इस दृष्टि से भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या यह ऐसा किया जा रहा है। ये अगर कोई एक प्रथा चली आ रही थी तो क्या आप उसको अभी बंद कर रहे हैं? मैं इस विषय में पूरा नहीं जानता, बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि मुसलमानों से एक या दूसरे नाम पर उनकी जगहों को छीनने का प्रयास भारत में चल रहा है। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।